दोस्तों जब टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती में सबसे जो मेन चीज़ निकल करके आता है वो होता है फूल और फल कम लगना, क्योंकि टमाटर की खेती में अगर फूल फल कम लगेगा तो किसानों को पैदावार भी कम मिलेगा, जिस कारण से किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान की सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस वीडियो में टमाटर की खेती में दो ऐसा काम के बारे में बताएंगे जिस काम को अगर आप लोग करते हैं तो टमाटर के पौधे में बहुत ही ज़्यादा फूल फल लगेगा। तो इसीलिए वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टमाटर की खेती में ज़्यादा फल फूल पाने का सबसे जो मेन दो काम होता है वो एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए टमाटर की खेती में ज़्यादा फल फूल पाने का सबसे मेन दो कारण होता है, और उसका मेन कारण होता है खाद और स्प्रे। क्योंकि अगर आप लोग सही समय पर सटीक जो खाद होता है और सटीक मात्रा से अगर उस खाद को नहीं डाल पाते हैं, जिस वजह से टमाटर के पौधे में बाद में जाके आप लोगों को फ्लावर कम देखने को मिल सकता है, और अगर फ्लावर कम आएगा तो ऑटोमेटिकली फल भी कम लगेगा, जिस कारण से किसानों को पैदावार भी कम मिलेगा। और उसके अलावा दूसरा कारण होता है वो जो कि होता है स्प्रे। क्योंकि अगर आप लोग सही समय पर सटीक दवा को स्प्रे भी नहीं करते हैं तो भी आप लोगों का पौधा कमज़ोर होता है, पौधे में रोग बीमारी का प्रकोप होता है, जिस कारण से आप लोगों का पौधा खराब होता है और फल फूल बाद में जाके कम देखने को मिल सकता है। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि टमाटर के पौधे में कैसे आप लोगों को फल फूल को बढ़ाना है जिससे आप लोगों को ज़्यादा पैदावार मिलेगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। सबसे पहले खाद की अगर बात की जाए तो आप लोगों को खाद जो डालना है कितनी मात्रा में डालना है, कौन कौन सी खाद डालना है और कब डालना है, पूरे डिटेल्स में अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो पहला खाद जब आप लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय पर आप लोगों को DAP लेना है 50 से 60 kg, और यहाँ पर जो आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं वो आप लोगों को एक एकड़ के हिसाब से जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोगों को 50 से 60 kg लेना है DAP खाद को, और उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है पोटाश, जो कि आप लोगों को लगभग 25 से 30 kg लेना है उसके साथ। और उसके साथ साथ अगर आप लोग फॉस्फेट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग DAP दे रहे हैं तो उसमें आप लोगों को फॉस्फेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोगों का पौधा लगभग 7 से 8 दिन हो जाएगा ट्रांसप्लांट करने के बाद, उस समय पर आप लोगों को फर्स्ट टाइम पर खाद डालना है, वो कौन कौन सी खाद डालना है वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को 10-26-26 जो कि NPK होता है उसको आप लोगों को लेना है 50 से 60 kg, और उसके साथ साथ आप लोगों को 20 kg जो कि यूरिया खाद जो नाइट्रोजन होता है उसको लेना है। और उसके साथ दोस्तों आप लोगों को सीवीड ग्रेन्यूल्स लेना है, जो कि आप लोगों को 10 से 12 kg लेना है पर एकड़ के हिसाब से। सीवीड ग्रेन्यूल्स एक काफ़ी अच्छा दानेदार होता है, जो कि आप लोगों को पौधे को बढ़वार को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, ज़्यादा फल फूल ले आने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो सीवीड ग्रेन्यूल्स आप लोगों को सस्ते के ऊपर सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देता है वो आप लोगों को सागरिका Z++, और उसके साथ साथ अगर आप लोग बायोविटा X जो ग्रेन्यूल्स आता है उसको भी ले सकते हैं आप लोग 10 से 12 kg पार करके हिसाब से। तो इस तीनों खाद को एक साथ में मिला करके अच्छी तरीके से आप लोगों को दे देना चाहिए टमाटर की फसल जब लगभग 7 से 8 दिन हो जाएगा उस समय पर, और पानी चला देना चाहिए जिससे कि आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों जैसे आप लोगों का टमाटर का पौधा लगभग 20 से 25 दिन हो जाएगा तो उस समय पर आप लोगों को सेकेंड खाद डालना है। तो सेकेंड खाद जो है वो आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या खाद डालना है। सबसे पहले आप लोगों को DAP खाद को लेना है लगभग 50 से 60 kg पर एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त जो खाद होता है जिसको आप लोग ले सकते हैं 5 से 6 kg। लेकिन पोषक तत्व युक्त जो खाद होता है उसका बेस्ट खाद क्या होता है, तो उसका जो बेस्ट खाद होता है एग्रोमिन सोयल प्लस, जो कि आप लोगों को 5 से 6 kg लेना है, या फिर अगर आप लोग क्वालिटी स्पेशल ले सकते हैं ट्रास्को कंपनी का, वो भी एक काफ़ी अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व युक्त खाद होता है, इसमें से किसी को एक को ले सकते हैं। और हाँ, इस समय पर अगर आप लोग कैल्शियम नाइट्रेट जो दानेदार होता है उसको डाल सकते हैं, लेकिन वो अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग DAP खाद के साथ कैल्शियम नाइट्रेट को मिलाते हैं तो उसमें आप लोगों को नुकसान की सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों को कैल्शियम नाइट्रेट को अलग से डालना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोग बाद में जाके स्प्रे करते हैं तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट को आप लोगों को डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टमाटर की फसल में अगर आप लोग कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं डालते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि अगर आप लोग कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं डालते हैं तो जो फल का नीचे जो सड़न होता है इस टाइप का कुछ, तो इसका जो कारण होता है मेन कारण कैल्शियम नाइट्रेट। लेकिन इस समय पर किसान बहुत सारे फंगिसाइड डालते हैं जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इसका मेन कारण होता है कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि आप लोग अगर पहले से अगर खाद के रूप में डाल देते हैं तो आप लोग को बाद में जाके ये बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ही अच्छा है, और उसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट फल का साइज को और ग्लेज को अच्छा रखता है और फ्लावर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को टमाटर की फसल में खाद डालना है। अब पारी आता है स्प्रे का। देखिए अगर आप लोगों का टमाटर का पौधा शुरू से अगर आप लोग स्प्रे नहीं करते हैं तो बाद में जाके आप लोगों को रोग बीमारी का प्रकोप हो सकता है। इसीलिए जब आप लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद लगभग 7 से 8 दिन हो जाएगा
उस समय पर आप लोगों को फास्ट स्प्रे करना है। उस समय पर फास्ट स्प्रे आप लोग क्या करेंगे, तो उस समय सबसे बेस्ट जो होता है इमिडाक्लोरोपीड 17.8% जो कि SL फॉर्म में मिलता है, जो कि सोल्यूबल लिक्विड होता है, उसको लेना है आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से। और उसके साथ साथ एक फंगिसाइड लेना है जो कि काफ़ी अच्छा है, एक साइमोक्सिनल प्लस मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन जो कि आप लोगों को बाजार में कार्जेट नाम पे भी मिल जाएगा। इसको भी आप लोग ले सकते हैं 30 ग्राम पर 15 लीटर के हिसाब से, और दोनों को एक साथ में मिला करके स्प्रे कर देना है लगभग 7 से 8 दिन जिस टाइम पर पौधा हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों जैसे आप लोगों का पौधा लगभग 15 से 20 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोगों को सेकेंड स्प्रे करना है। तो सेकेंड स्प्रे में आप लोग ले सकते हैं रोको और बायोमाइसिन का कॉम्बिनेशन जो कि एक काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों का जैसे 15 से 20 दिन बाद हो जाता है तो टमाटर की फसल में आजकल बहुत सारे जो मरने का समस्या आता है वो देखने को मिलता है। तो इसको कंट्रोल तो नहीं किया जाता है, लेकिन इसको आप लोग प्रिवेंटिव और डालते हैं रोको और बायोमाइसिन को, तो आप लोगों को ये बहुत ही कम सामना करना पड़ता है। इसीलिए रोको को आप लोगों को लेना है 2 ग्राम के हिसाब से, और उसके साथ साथ बायोमाइसिन जो कि बैक्टीरिया साइड का काम करता है काफ़ी अच्छा है, कासुगामाइसिन टेक्निकल है, उसको भी लेना है आप लोगों को 2 ml पर लीटर के हिसाब से। और इस दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में डाल के आप लोगों को स्प्रे कर देना है। और अगर आप लोग इस समय पर कोई PGR को लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, इसके साथ मिला करके कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जैसे आप लोगों का टमाटर का पौधा लगभग 35 से 40 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोगों को थर्ड स्प्रे करना है। तो थर्ड स्प्रे में आप लोग क्या क्या दवा लेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले थर्ड स्प्रे में आप लोगों को एक इंसेक्टिसाइड लेना है, क्योंकि उस समय पर आप लोगों को इंसेक्ट का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो इंसेक्टिसाइड में सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देता है मुझे लगता है इस समय पर आप लोगों को भाइगो को लेना है, क्योंकि भाइगो इस समय पर जितने प्रकार की चिबाने वाला जो इल्लिया होता है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो भाइगो को लेना है आप लोगों को 10 ml पर 15 लीटर के हिसाब से। और उसके साथ साथ सियाप्टोन 10L को आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, जिसमें आप लोगों को एमाइनो एसिड मिल जाएगा, ये एक PGR है, और इसको लेना है आप लोगों को 2 ml पर लीटर के हिसाब से। और उसके साथ साथ एक फंगिसाइड लेना है, क्योंकि उस समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रकोप देखने को मिलता है टमाटर की फसल में वो होता है ब्लाइट, क्योंकि उस समय ब्लाइट का प्रकोप अगर आप लोग नहीं कंट्रोल करते हैं तो बाद में जाके पूरा प्लॉट एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है BSF कंपनी का कैब्रियोटॉप। उसके अलावा दूसरे फंगिसाइड भी और भी बहुत सारा है, लेकिन कैब्रियोटॉप काफ़ी अच्छा है, उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लाइट के लिए। उसको लेना है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी 45 से 50 ग्राम लेना है पर 15 लीटर के हिसाब से। और इस तीनों दवा को एक साथ में मिला करके छिड़काव कर देना है, जिससे कि आप लोगों को टमाटर के पौधे में काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों जैसे आप लोगों का टमाटर का फसल लगभग 50 से 55 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोगों को फोर्थ स्प्रे करना है। फोर्थ स्प्रे में सबसे पहले आप लोगों को मोबोबिन या फिर एग्रोमिन गोल्ड को लेना है, क्योंकि मोबोबिन और एग्रोमिन गोल्ड एक पोषक तत्व युक्त खाद होता है स्प्रे के हिसाब से, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट देता है तभी आप लोगों को इसको हम बता रहे हैं। और इसमें से किसी को ले सकते हैं, मोबोमिन को लेते हैं तो 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है, और अगर आप लोग एग्रोमिन गोल्ड को लेता है तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को बोरोन पाउडर लेना है लगभग 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से। और उसके साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड लेना है, क्योंकि इस समय पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को फल छेदक जो इल्ली होता है टमाटर की फसल में उसका प्रकोप देखने को मिलता है। और इस समय पर इसीलिए एक इविसेंट नाम का दवा आता है जो कि सिंजेंटा कंपनी के आप लोगों को मिलता है, उसको लेना है आप लोगों को 2 से 3 ग्राम। और इस तीनों दवा को एक साथ में मिला करके छिड़काव कर देना है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हमने जितने प्रकार की दवा बताया इसको आप लोगों को सभी जो है प्रिवेंटिव रूप से स्प्रे करना है, यानी रोग लगने से पहले, बीमारी लगने से पहले अगर आप लोग इसको स्प्रे करते हैं तभी तो आप लोगों का रोग बीमारी का प्रकोप पौधे में नहीं होगा, और तभी तो आप लोगों का फल फूल भी ज़्यादा लगेगा। और फल फूल अगर ज़्यादा आएगा तो पैदावार वही ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा। इस कारण से हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो दवा बताया इसको आप लोगों को प्रिवेंटिवली स्प्रे करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग खाद और स्प्रे का शेड्यूल बना के टमाटर के फसल में डालते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो ले आते रहते हैं।